अब यहाँ पे बात कर रहे हैं लिटरल्स का, लिटरल्स का मतलब में यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट आता है। इंटीजर कांस्टेंट में ये देखो क्या बोलता है, एक ऐसा नंबर जो इंटीजर वैल्यू है, 25 -6 74 या 0, सारे के सारे क्या है इंटीजर नंबर्स है। यस और नो, क्या आप पहली बार देख रहे हो क्या इंटीजर नंबर ना। दूसरा है फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट मतलब ऐसा नंबर्स जो डेसिमल नंबर्स मतलब डेसिमल पॉइंट के साथ में आता है। एग्जाम्पल यहाँ पे 2.34 या -9.2154 या तो यहाँ पे जैसे लिखा 1. अच्छा ये ई का मतलब समझ, एक्सपोनेंट बड़ा नंबर होता है, पॉइंट वाला नंबर है, ज्यादा दिमाग लगाने का क्या, पॉइंट वाला नंबर आया उसको क्या बोलेंगे फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट, क्या बोलेंगे उसको, क्या हो गया। दूसरा क्या बोलता है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, मतलब क्या यहाँ पे देखो क्या है, देखो देर आर कैरेक्टर कॉन्स्टेंट का जब बात करता हूँ ना, देर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, पहला था सिंगल दूसरा था मल्टीपल। कभी भी याद रखो जिंदगी में भी सिंगल कैरेक्टर का रहना, तो ये सिंगल कोट्स में लिखे, इसमें लिखेंगे अगर तुमको तुम्हारा पूरा नाम लिखना है, मतलब जिसमें दो अल्फाबेट से ऊपर है तो डबल कोट्स में लिखेंगे, डबल कोट्स सिंगल कोट्स, समझता है क्या। सिंगल अल्फाबेट को सिंगल कोट्स में लिखेंगे, मल्टीपल अल्फाबेट्स को डबल कोट्स में लिखेंगे, सिंगल अल्फाबेट्स को कैरेक्टर कहते हैं, मल्टीपल अल्फाबेट्स को स्ट्रिंग कहते हैं। क्या बोला समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो क्या बोला है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट नाम का ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं, मतलब सी और सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप ही नहीं है, हमको कैर को कन्वर्ट करना पड़ता है स्ट्रिंग के अंदर। नाउ आई विल टेल यू द एग्जांपल, यहाँ पे देखो शुभम या ये डेट लिखा है, आई अंडरस्टैंड, मान के चलो मैंने एक किया कैर एनएम और फिर मैंने एनएम, अच्छा इसको क्या बोलेंगे बोलो बोलो बोलो, वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलेंगे ना, हमेशा इंटीजर में वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले क्या, इसको भी वेरिएबल डिक्लेरेशन कहेंगे। इसके बाद में क्या बोलते हैं एनएम इज इक्वल टू, अभी देखो सिंगल कोट्स में मैंने ए लिखा, बताओ एनएम का वैल्यू क्या है, को क्या बोलेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ऑनलाइन वाले बच्चों चैट में टाइप करो फटाफट, बैठ के मजे ले रहे क्या, चैट में फटाफट टाइप करो, अभी देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आंसर दो इसका क्या। मैंने अगर ऐसे लिखा एनएम इज इक्वल टू पीसी, ऐसा अगर मैंने लिखा तो क्या होगा बताओ, एनएम का वैल्यू क्या होगा, अरे बोलो बोलो, रॉन्ग, एनएम का वैल्यू ए ही होगा। अरे मेरे को एक बात बताओ, ये 1 लीटर के बॉटल के अंदर 4 लीटर पानी डालेंगे तो क्या 4 लीटर पानी घुस जाएगा के अंदर, एक ही लीटर रहने वाला है ना, बोलेगा सिर्फ ये ए, बाकी उल्टी, समझा क्या। ने कितना भी मन बना लिया कि आज मैं जिम जाऊंगा और फुल जिम करूंगा, घर आके 50 अंडे खाऊंगा, खा लोगे 50 अंडे, कैपेसिटी तो 2 का है ना, 48 ऊपर से नीचे से बाहर, ऐसा मेमोरी का भी है, समझ में आता है क्या, समझा मैं क्या बोला, उसका कैपेसिटी क्या है, एक ही अल्फाबेट को स्टोर करने का ना, तो एक ही अल्फाबेट स्टोर करने वाला है वो, कह रहे क्या सबको। अब आप उसका कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, आप उसको कैरेक्टर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कैर एनएम और आगे साइज दे देंगे 5। और अगर आपने अभी ऐसा लिखा तो पूरा का पूरा एबीसी को स्टोर करेगा, और इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, सी और सी प्लस प्लस के अंदर कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप है बट स्ट्रिंग नाम का नहीं है, हमको कैरेक्टर को कन्वर्ट करना पड़ता है स्ट्रिंग के अंदर, उसको साइज लगा के, जैसे यहाँ पे मैंने साइज लगाया, ये एनएम को साइज लगा दिया तो ये क्या बन गया, कैरेक्टर से स्ट्रिंग बन गया। ऊपर वाला एनएम सिर्फ एक अल्फाबेट को स्टोर कर पा रहा था, बट ये वाला एनएम कितने अल्फाबेट को स्टोर कर पाएगा, 5। समझ में आ रहा है क्या।